हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पूजा रेड्रोस चैनल। तो आप लोगों ने होली कैसे सेलिब्रेट किया है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएगा। तो होली का जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल बोरिंग सा लगता है। होली का दिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा फिर भी बना लूँ। तो अभी मैं चली जाऊँगी शाम के लिए कुछ बनाने के लिए खाना, भूख भी लग गया था शाम के टाइम। तो अभी बज रहे 6:30, तो अभी मैं जाऊंगी दुकान से लाऊंगी पास्ता। तो आज मैं बनाऊंगी पास्ता, तो चलिए चलते हैं दुकान। गई थी दुकान, वहाँ से लाई हूँ पास्ता, तो अभी मैं पास्ता बना लेती हूँ। चलती हूँ किचन, उठा दिया। इसमें डालूंगी पानी, इसमें डाल दूंगी पानी, थोड़ा सा नमक, पास्ता को बॉईल कर लूंगी। पास्ता जब तक बॉईल होता है तब तक मैं पास्ता के लिए मसाला वेजिटेबल जो है वो रेडी कर लेती हूँ। तो पास्ता जो है बॉईल हो चुका है, इसका पानी मैंने निकाल के फेंक दिया है। अब मैं पास्ता को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर दूंगी तेल। पास्ता के लिए रेडी कर लिया है, यहाँ पे देख सकते मटर, काचा मिर्च, प्याज और टमाटर। प्याज को पहले फ्राई कर लूँगी। इसमें ऐड कर दूँगी अभी काचा मिर्च, मटर, टमाटर मैं बाद में ऐड करूँगी अभी नहीं। इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और नमक। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लूंगी। तो टमाटर अच्छे से गल चुका है, देख सकते हैं मटर के साथ। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता। इसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया है। पास्ता में जितने भी वेजिटेबल डाल लो, इसमें एक चीज़ ऐड नहीं करने से ना पास्ता का टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो है मैगी मसाला। तो इसमें मैं एक पैकेट पूरा मैगी मसाला ऐड करती हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैगी मसाला। तो मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया, देख सकते हैं कितना अच्छा और डिलीशियस बन गया है। तो अब मैं तो देख सकते हैं पास्ता जो है बन चुका है, तो टेस्ट करके बताऊंगी आप लोगों को कैसा बना है पास्ता। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं पास्ता जो है बना लिया है, कितना टेस्टी और देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो पास्ता बना लिया, कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, तो खा के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फेस को अच्छे से क्लीन करके मॉइस्चराइजर लगा लिया है। तो टीवी देखते देखते कब टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला, 10:30 हो चुका है। अभी चले जाएंगे खाने बनाने के लिए। तो रात को मम्मी ने अभी भात बना लिया है, अब मैं अंडा ऑमलेट कर लूँगी और बैगन फ्राई कर लूँगी। तो चलती हूँ किचन और बैगन फ्राई और अंडा बना लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई बैठा दिया, इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। बैगन फ्राई के लिए दे दूँगी तेल, इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, एक एक करके बैगन दे दूंगी और फ्राई कर लूंगी।
तो बैगन लाल लाल करके फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी, ऐसे करके सब बैगन फ्राई कर लूँगी। बैगन को पलट दूंगी और ऐसे करके सब बैगन फ्राई कर लूँगी, जो है उसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। प्याज और काचा मिर्च इसमें डाल दिया है, नमक और एक ऑमलेट कर लूँगी। एक को पलट दूंगी, फिर लाल लाल करके फ्राई कर लूंगी। तो एक ऑमलेट जो है बन चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इस प्लेट को निकाल लूंगी, एक प्लेट में फ्राई कर लिया है बैगन, एक और सूखा मिर्च। अभी खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो कल रात मैं सो गई थी इसलिए वीडियो एंड नहीं कर पाई, आज भी सुबह बहुत ज़्यादा काम था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बाय गाइस।